दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हो पिछले पेपर में आए प्रश्नों का क्विज, तो बिल्कुल सही वीडियो और सही चैनल पर आए हो। यहाँ आपको मिलते हैं वो क्विज जिनमें शामिल किए जाते हैं 10 से ज्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन। आप देख रहे हैं एसएससी एग्जाम गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में विशाल सुनाना ग्रह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों, चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा। आप अपना आंसर लगा के दोस्तों स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए जीके चैलेंज भी है। अगर 10 से क्वेश्चन ज्यादा कर दिए तो जीके आपकी बहुत अच्छी है। दोस्तों, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में स्नाना गिरह मिला था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? दोस्तों, पाली, संस्कृत, द्रविड़ और इन सभी में दोस्तों कौन सी वो भाषा थी? जो जो भाई लगा रहे हैं पाली, बिल्कुल सही है, पाली भाषा में उन्होंने सारे अपने उपदेश दिए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? दोस्तों, कौन थे वो शासक? इंडो ग्रीक थे, शक थे, पल्लव थे, कुषाण थे, कौन थे? दोस्तों आपने अपना ऑप्शन लगा लिया, उम्मीद करता हूं ए ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, इंडो ग्रीक थे जिन्होंने सबसे पहले यहां पर सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों, किसने चलाए थे सोने के सिक्के सबसे पहले? इंडो ग्रीक ने। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे भाइयों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चोगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी? दोस्तों, शासक बताना है, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा वो शासक था? तो दोस्तों, जो जो भाई लगा रहे सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, किसके शासनकाल में? तो जो जो भाई लगा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन थे वो राजा जिनके शासनकाल में ह्वेनसांग यात्री, चीनी यात्री भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे भाइयों, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है? दोस्तों, ये जो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उसको बोलते हैं उपसौर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर तिथि बतानी है किस डेट को होती है न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों, 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी और ये है 23 सितंबर। दोस्तों, आपको ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो जो भाई दे रहे हैं बिल्कुल सही, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? दोस्तों, कितना समय अंतराल होता है ये बताना है, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट और 4 मिनट। तो कौन सा, कितना समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर? तो दोस्तों, जो जो भाई लगा रहे हैं 4 मिनट पे टिक, बिल्कुल सही है, 4 मिनट इनके बीच में जो है समय का अंतर होता है 4 मिनट का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहर है, किन किन को जोड़ती है ये बताना है। भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भाई लगा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे भाइयों, किस मेघ से अधिक वर्षा होती है? किस प्रकार के मेघ से सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है? कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा सत्री और पक्षाभ सत्री, कौन से होती है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन जो जो लगा रहे हैं सही है, वर्षा सत्री से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों, कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो सी ऑप्शन लगा रहे बिल्कुल सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? दोस्तों, तो ये अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद 30 है, 36 है, 38 है या फिर 51 है? तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं, डी ऑप्शन जो भाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 51 ही है जहां पर अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनुच्छेद से, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये अनुच्छेद। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये मूल कर्तव्य है ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51 क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज है ऑप्शन के हिसाब से, तो अनुच्छेद 51 नहीं आएगा, अनुच्छेद 51
के आएगा, अनुच्छेद 51 में थी अंतरराष्ट्रीय शांति। तो दोस्तों ये हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जो जो भाई दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, यानी कि 42वें संशोधन, ये भी ध्यान रखना है किस संशोधन से जोड़ा गया। और हमारे मूल कर्तव्य दोस्तों कितने हैं, 11 हमारे मूल कर्तव्य, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतर होना चाहिए, कितने समय का अंतर होना चाहिए भाई? तो ये है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 9 महीने, कितने महीने का भाईयो? 6 महीने का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 महीने का दोनों अधिवेशन के बीच में अंतर होना चाहिए मिनिमम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके अनुच्छेद और इनकी पावर शक्ति है, जितने भी इनके इलेक्शन महाभियोग सब कुछ। राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? महाभियोग उनको हटाने का के लिए यूज करते हैं महाभियोग। तो दोस्तों कौन सा सदन कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आप जो लगा रहे हैं सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में फैक्ट्स ये है, दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन सदन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और वहां पे राष्ट्रपति को आने की अनुमति होगी और वो अपना पक्ष रख सकता है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा भाई? प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा का महासचिव करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा? कौन करेगा कि भाई ये मनी बिल है, धन विधेयक है? तो दोस्तों जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही वो निर्णय लिया जाएगा कि ये बिल जो है ये धन विधेयक बनेगा नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे भाइयों, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अनुरण। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंग किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समसवरण स्टेशन उदाहरण है किसका? परावर्तन, अपवर्तन, अनुरण और अनुनाद। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, अनुनाद, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुनाद। दोस्तों इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है, ये उदाहरण है रेडियो का समसवरण स्टेशन का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होता है? समबारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, जो जो भाई लगा रहे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीटा किरण के कारण समबारिक उत्पन्न होते हैं, समबारिक उत्पन्न होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यार भाइयों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिए हैं, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जो भाई डी ऑप्शन लगा रहे हैं, अवकरण, यानी कि रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण, रिडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका और यह सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई डी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, यह सभी इसका आंसर हो जाएगा। कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन कौन से हैं वो? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम इसी तरह का क्विज लाते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।